ये जब हराएगा ना बेसबॉल खेल के इंग्लैंड को, जब 100-100 से पहले आउट करेगा और 400-400 को टारगेट देगा, तब जब नंबर वन रैंक टीम बनेगा, फिर दुनिया को पता लगा कि इंडिया कितनी बड़ी शह है, क्योंकि इंडिया भी क्रिकेट का बाप है। इंडिया भाई मैं कहता हूँ कि न्यूजीलैंड को बहुत जल्द वो बीट कर जाएगा, नंबर वन पे आ जाएगा, जैसे उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट दिया। आपने लास्ट मैच देखा कैसे उन्होंने उनको 50 रन पे बोल्ड मार दिया, तो भाई बात नहीं है कि इंडिया दूसरे पे, इंडिया को फर्स्ट पे आना चाहिए। जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस है, जिस तरह के इंडियन प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट को प्रेफर करते हैं, जिस तरह के वो तरजीह देते हैं टेस्ट क्रिकेट को, तो वो नंबर वन के हकदार हैं। ऑस्ट्रेलिया भी जडेजा, वो जो सीमर्स हैं वो इतनी इतनी बड़ी स्पिन करते हैं, आके जडेजा मोस्ट रिलायबल प्लेयर, वो आके भाई स्विंग फेंकते रहता है, विकेट लेता रहता है। पिछले मैच में 5 विकेट ली है और स्कोर भी उसने अच्छा किया है। या इंडिया के प्लेयर्स के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए कोई रिकॉर्ड ब्रेक करना बिल्कुल मुश्किल है ही नहीं है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान बनाए रिकॉर्ड बनवाने के लिए, और इंडिया बनाया वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, बात सिंपल सी है। जडेजा जितनी उम्र उसकी बढ़ती जा रही है, पता नहीं उसके अंदर कौन से भूत आ जाता है परफॉर्मेंस का। आप देख ले वो बॉलिंग में भी, मैं समझ रहा था कि अगला दिन भी, आज का दिन भी चलेगा, लेकिन उसने तो उनकी कमर तोड़ के रख दी एक ही दिन। पाकिस्तान की जो फिटनेस है ना टीम की, इनको तो टेस्ट में पता नहीं फिफ्थ में कैसे हैं, इनको तो टेंथ भी नहीं होना चाहिए। इनके प्लेयर्स की भी फिटनेस देखिए, पीछे हारिस रऊफ कहता था कि 150 पे बॉल फेंकने वाला, मैंने टेस्ट मैच से बॉलिंग नहीं करानी। क्यों नहीं तूने करानी बॉलिंग? ऐसी तो टेस्ट मैच ही तो प्लेयर निकलते हैं। 12 छक्के वसीम अकरम ने जो मारे थे जिम्बाब्वे के खिलाफ और छोटी टीम्स के खिलाफ, इस बंदे ने बड़ी इंग्लैंड जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को 12 छक्के टेस्ट मैच की इनिंग के अंदर, यार ये एक अलग ही लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं खुदा की कसम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम सलाम सर। बात की जाए इंडिया की, आपको पता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंक में दूसरे नंबर पे आ गया, जबकि जो पाकिस्तान है वो पांचवें नंबर पे चला गया। इस टाइम टॉप पे सिर्फ न्यूजीलैंड है, तो इंडिया उसको भी बीट करने जा रहा है। आगे सिर्फ दो टेस्ट रह गए इंडिया और इंग्लैंड के। ख्याल में इंडिया को नंबर टू रैंक टीम ही नंबर वन रैंक टीम होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि इंडिया जैसे खेलती है ना वो नंबर वन रैंक टीम है, नंबर टू नहीं है। ये बस इन्होंने किया हुआ है दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि इंडिया डोमिनेट इतना करती है कि नंबर टू पे है, ताकि शो ना करे कि बहुत ज़्यादा पावरफुल टीम है। इंडिया की टीम इसकी हिस्ट्री में सबसे बेस्ट टीम ये है। इंडिया की टीम में जो प्लेयर है यार, रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, बुमराह, जडेजा, सिराज, शमी, इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं इनके पास। वो आते हैं जो जिस मर्जी की टीम पे मैच लगाओ, आती है बैटिंग में 400 स्कोर कर देते हैं, बॉलिंग में 100 से पहले ऑल टीम आउट कर देते हैं, इतने अभी तो इनके पास प्लेयर है। तो नंबर वन रैंक टीम कैसे नहीं, चलो अभी नंबर टू है तो आहिस्ता आहिस्ता नंबर वन भी हो जाएगी। तो ये इतनी हाईएस्ट रैंक टीम ऐसी तो बनती है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है इनके पास, फिट प्लेयर है इनके पास, ठीक है, और बेस्ट बॉलर है, बॉलर्स भी बेस्ट हैं, बैट्समैन भी बेस्ट हैं। जैसे कि आपको पता है जडेजा ने जैसी यानी कि बैटिंग भी किया, बॉलिंग भी किया, और उन्होंने यानी कि 110 स्कोर भी किया था, आपको पता लास्ट इनिंग में। जडेजा जितनी उम्र उसकी बढ़ती जा रही है, पता नहीं उसके अंदर कौन से भूत आ जाता है परफॉर्मेंस का। आप देख ले वो बॉलिंग में भी, मैं समझ रहा था कि अगला दिन भी, आज का दिन भी चलेगा, लेकिन उसने तो उनकी कमर तोड़ के रख दी एक ही दिन में, मैच खत्म करवा दिया ऐसे ऐसे बॉल फेंके उसने। यार रोड कह रहे थे कि इंडिया कहता है हम रोड बनाते हैं, उन्होंने मोटरवे बनाया, इतनी फ्लैट पिच के ऊपर उस बंदे ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, मैं हैरान हो गया। उसके बाद मैंने कहा इंग्लैंड वाले तो ऐसे ही इसके सामने घुटने टेक दिए। जडेजा हो गए, उसके बाद बुमराह हो गए, सिराज हो गया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग लाइनअप है यार, कमाल की बॉलिंग लाइनअप है इनकी। जैसे कि कल के मैच के अंदर परफॉर्मेंस की है तो उसने कुलदीप यादव ने की है, जडेजा ने की है, उसके बाद जो जायसवाल ने परफॉर्मेंस किया 214 रन मारे हैं, तो क्या कहेंगे इन दोनों के, क्या यानी कि ऐसे प्लेयर की जो रीज़न है जो कि इंडिया को वर्ल्ड रैंकिंग नंबर टू में टू पे लेके आ गए हैं। बिल्कुल, जडेजा ने जैसे अपनी रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप बनाई है, मुझे बताएं पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर बना सकता है जैसे उसके बाद, अगर रोहित शर्मा कैप्टन की बात की जाए, ऐसी कैप्टनशिप पाकिस्तान के पास है जो पिछले पता नहीं कितने सालों से बैठे हुए प्लेयरों को मौका दे रहा है खेलने के लिए, जिसकी सरफराज खान आपके सामने एग्जांपल है, जिसको बड़े अरसे के बाद रोहित शर्मा ने डेब्यू के लिए ले गया है, और उसने डेब्यू ऐसा दिया है कि मैं कहता हूँ पूरे इंडिया के साथ उसने पाकिस्तान को भी हैरान करके रख दिया। तो पाकिस्तान के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि भाई वो इतने अच्छे प्लेयर्स को आगे लेके आए, या वो खुद को इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए, या कोई इस तरह का कैप्टन बना के लाएँ। हमारे पास रिजवान था, अच्छा भला कैप्टन, यार आपने कल वो PSL शुरू है, मैंने उसकी कैप्टनसी देखी है, क्या कमाल की उसने कैप्टनसी की है। ऐसे कैप्टन को पीछे छोड़ के आप अफरीदी ऐसे नल्ले पकवा उठा के आगे बिठा रहे हो और कह रहे हो कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा रहा, और क्या वजह है कि इसकी, भाई यही वजह है मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होता। आपको पता है पाकिस्तान इस टाइम पांचवें नंबर पे चला गया जबकि इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया, तो पाकिस्तान की इतना पीछे रहने की वजह क्या है? पूरी यानी कि देखना वर्ल्ड टेस्ट की जो चैंपियनशिप की जो रैंक है पाकिस्तान उसमें सिर्फ पांचवें नंबर पे है जबकि इंडिया दूसरे नंबर पे है। या पाकिस्तान की जो फिटनेस है ना टीम की, इनको तो टेस्ट में पता नहीं फिफ्थ में कैसे हैं, इनको तो टेंथ भी नहीं होना चाहिए। इनके प्लेयर्स की भी फिटनेस देखिए, पीछे हारिस रऊफ
कहता था कि 150 पे बॉल फेंकने वाला, मैंने टेस्ट मैच से बॉलिंग नहीं करानी। क्यों नहीं तूने करानी बॉलिंग? टेस्ट ही तो टेस्ट मैच ही तो प्लेयर निकलते हैं। अब वो यही तो हमारे सारे प्लेयर्स करते हैं, कहते हैं भाई टेस्ट मैच हमने खेलना नहीं, और जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो आते नहीं टेस्ट मैच की टीम में, और टेस्ट में पाकिस्तान पीछे रह जाती है। यही सीन है इनका। सिर्फ बाबर आजम ही है जो तीनों में खेलता है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। उधर शाहीन अफरीदी को देख लो, उससे भी टेस्ट में बॉलिंग होती, T20 में भी नहीं बोल, उससे तो कहीं बॉलिंग ही नहीं होती। प्लेयर जब थके हुए हों, उनको कुछ आता ना हो, टपा भी ना पता हो, बोला कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे बॉलिंग होगी इनसे। बैट्समैन भी हो, उनको लंबा खेलना ना आता हो, उनकी फिटनेस ही ना हो, हर दो रन ले लेगा सांस फूल जाए, कहाँ से इनसे बैटिंग होगी और कहाँ से पाकिस्तान नंबर वन रैंक टीम बनेगी? ये तो भी बहुत पीछे है, पता नहीं नंबर फाइव कैसे। मैं ये हैरान हूँ, नंबर मैं तो, मुझे तो आपने बताया कि नंबर फाइव टीम है। तो आप बिल्कुल, इंडिया इस चीज़ का हकदार है। आपको पता ही है कि इंडिया ने किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आप देख लें, दो टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने जीते हुए, फाइनल खेले हुए, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराना कोई छोटी बात नहीं है, कोई किसी भी टीम की औकात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना। तो ये काम भी इंडिया ने, वाहिद एशियन टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया को हराया था जाके, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत इतनी बड़ी बात नहीं है कि इंडिया दूसरे पे, इंडिया को फर्स्ट पे आना चाहिए। जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस है, जिस तरह के इंडिया के प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट को प्रेफर करते हैं, जिस तरह के वो तरजीह देते हैं टेस्ट क्रिकेट को, तो वो नंबर वन के हकदार हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर जिस तरीके से परफॉर्मेंस इंडिया ने दी है, तो नो डाउट इंडिया के हर प्लेयर ने एफर्ट किए, किसी एक को क्रेडिट देना गुनाह होगा, हर प्लेयर ने एफर्ट किया। आप देख लें, जयसवाल नए से नए प्लेयर, पुराने से पुराना प्लेयर, हर प्लेयर ने एफर्ट करके दूसरे नंबर पर अपनी टीम को ला के खड़ा कर दिया उन्होंने। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इंडिया की जो आपने बोला है ना नंबर वन पर परफॉर्मेंस, तो वो बनती भी है। आपने ये स्क्वाड इंडिया में देखा, इस सीरीज़ में आपने स्क्वाड देखा होगा, स्क्वाड के बाद आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी होगी। हर मैच में, हर इनिंग में हमें एक नया प्लेयर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा था। उसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान के साथ, जो आप कंपेयर है पाकिस्तान का, तो इंडिया में टेस्ट सीरीज़ में नाम ही नहीं है भाई, किधर रह गया नाम, मुझे ये बताओ। पाकिस्तान वो किसी दौर में जब मिसबा यूनुस होते थे, तब वो एक दौर था जब वो टेस्ट सीरीज़ में अच्छे परफॉर्म कर पाते थे। अभी की अगर बात की जाए तो नथिंग, इनका नील परफॉर्मेंस है बिल्कुल। तो ये तो इनका इंडिया के साथ कोई कंपेरिजन ही नहीं बनता बिल्कुल भी। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया भाई, मैं कहता हूँ कि न्यूजीलैंड को बहुत जल्द वो बीट कर जाएगा, नंबर वन पर आ जाएगा, जैसे उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट दिया। आपने लास्ट मैच देखा कैसे उन्होंने उनको 50 रन में बोल्ड मार दिया, तो भाई ऐसे लग रहा था कि ये पता नहीं इंडिया वाले गेंद को राकेट समझ के खेल रहे हैं या क्या, पता नहीं क्या खा के आते हैं यार। आपको जैसे पता है इंडिया के अभी दो टेस्ट रहते हैं, अगर ये इंडिया दोनों टेस्ट में, जैसे इन्होंने थर्ड टेस्ट के अंदर लीड दी है इंग्लैंड के खिलाफ 434 रन की उन्होंने यानी कि से मैच जीता, अगर इंडिया ये दोनों मैच भी इतनी लीड से जीता, तो आपको लगता है कि इंडिया वर्ल्ड जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें पहले नंबर पे आ जाएगा? ऑफ कोर्स यार, अगर इंडिया या अपने अगले दो मैच भी ऐसे जीतते हैं इंग्लैंड से जलील करके, इनको जैसे पिछले तीन मैच जलील करता आ रहा है, ऑफ कोर्स नंबर वन रैंक टीम है। मैंने तो आपको कहा ये भी नंबर वन रैंक टीम है, उस पॉइंट से थोड़ा पीछे है। ये जब हराएगा ना बेसबॉल खेल के इंग्लैंड को, जब 100-100 से पहले आउट करेगा और 400-400 का टारगेट देगा, तब जब नंबर वन रैंक टीम बनेगा, फिर दुनिया को पता लगेगा कि इंडिया कितनी बड़ी शहर है, क्योंकि इंडिया भी क्रिकेट का बाप है। जैसे कि इंडिया की टीम ने यानी कि ये जो थर्ड टेस्ट मैच है इंग्लैंड को हराया, तो वाकई ही इंग्लैंड का जो बेसबॉल था उन्होंने तो वो तो यानी कि वाड़ के रख दिया, लेकिन वाड़ के बिल्कुल, बाकी जो उनकी यानी कि जो बॉलिंग ने कमाल किया यार, मज़ा आ गया। तो क्या कहेंगे इसके बारे में यार? बॉलिंग बैटिंग हर चीज़ ने इंडिया इंग्लैंड की कमर तोड़ के रख दी है इंडिया ने। आप देख लें जयसवाल को, आप देख लें 200-200 यार, ये अगला ना नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर मुझे लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर यार, क्या कमाल के उस बंदे की बैटिंग यार। तो आपको पता है जैसे कि इंडिया की टीम की यानी कि जो इसका आप जो क्रेडिट है वो किस प्लेयर को देंगे जिसकी वजह से इंडिया यानी कि रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आ गया? जयसवाल को देंगे, शुभमन गिल को देंगे, रोहित शर्मा को देंगे, क्या इंडिया के जो बॉलर है जडेजा उसको देंगे? क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, कैप्टनसी रोहित शर्मा की अच्छी है, उसको पता है कि कब क्या करना है, स्ट्रेटजीज का पता है उसको, टेक्निक्स का पता है, ठीक है। बैटिंग में दूंगा जयसवाल को, जयसवाल और रोहित शर्मा को, और बॉलिंग में यार इनके जो तीन प्लेयर हैं बुमराह, शामी और सिराज, जो जडेजा भी, जडेजा वो जो सीमर्स हैं वो इतनी इतनी बड़ी स्पिन करते हैं, आके जडेजा मोस्ट रिलायबल प्लेयर, वो आके भाई स्विंग फेंकते रहता है, विकेट लेता रहता है। पिछले मैच में 5 विकेट लिए हैं और स्कोर भी उसने अच्छा किया है, तो यार इतने रिलायबल प्लेयर हैं इनके पास, ठीक है, इनको और क्या चीज़ की जरूरत है यार। जयसवाल ने 12 सिक्सेस मारे हैं, 12 छक्के मारे हैं, जो कि वसीम अकरम का रिकॉर्ड था टेस्ट के अंदर, उन्होंने वो भी यानी कि उसके बराबर आ गया। तो क्या लगता है कि जयसवाल ये जो रिकॉर्ड है ये ब्रेक कर पाएंगे? आगे वाली क्या सिचुएशन देख रहे हैं मैचेस के अंदर जयसवाल की? आप जयसवाल की अगर बात की जाए, जयसवाल का आपने ठीक बोला है भाई,
वो आराम सुकून से रिकॉर्ड ब्रेक कर लेगा, उसका कोई मुश्किल नहीं है। इंडिया के प्लेयर्स के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए कोई रिकॉर्ड ब्रेक करना बिल्कुल मुश्किल है ही नहीं है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान बनाया रिकॉर्ड बनवाने के लिए, और इंडिया बनाया वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। बात सिंपल सी है। 12 छक्के वसीम अकरम ने जो मारे थे जिम्बाब्वे के खिलाफ और छोटी टीम्स के खिलाफ, इस बंदे ने बड़ी इंग्लैंड जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को 12 छक्के टेस्ट मैच की इनिंग के अंदर, यार ये एक अलग ही लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं खुदा की कसम। और सरफराज खान की अगर बात की जाए, इतना ड्रीम डेब्यू किसी भी खुशकिस्मत खुशनसीब इंसान ही होगा उसका, इस तरह का ड्रीम इतनी बड़े नेशन के डेब्यू करने को मिलेगा। यार आउटस्टैंडिंग टीम है, इंडिया टीम लेवल ही नहीं है उसका।